2015 में जम्मू कश्मीर का कैसा भविष्य आप देख रहे हैं, कितना सुधार आते हुए देख रहे हैं, जिस तरह की अपेक्षा इस बार वोटर्स की थी कि इस बार विकास होगा कम से कम नई सरकार आने के बाद, क्या आपको लगता है वो विकास वाकई एक रूप लेकर सामने आएगा? बिल्कुल, आपने बहुत सुंदर बात कही है चांदनी जी। एक बात, इस बात में कोई दो राय नहीं कि वहां के पांच मुद्दे अगर हम पकड़ कर चलें, उन पांचों मुद्दों के ऊपर ये दोनों सरकारें मिलकर ठोस कदम उठाएंगी। सबसे पहला मुद्दा है कि वहां पर कश्मीरी पंडितों का पुनर्वसन करना, वो पुनर्वसन होकर रहेगा, एक बात सुन के ले लीजिए। और भारतीय जनता पार्टी डेफिनेटली जैसे ही सत्ता में आई उस दिन से ही उसने ऐलान कर दिया कि कहीं ना कहीं हम पंडितों को घाटी में वापस उनको जो है वो लेकर जाएंगे और उनको बसाएंगे। और कहीं ना कहीं 2-3 हज़ार फैमिलीज जो हैं ऑलरेडी घाटी में रहना शुरू कर दी, और कहीं ना कहीं पीडीपी भी यही चाहती है कि कहीं ना कहीं पंडित वहां पर आकर बस जाएं। दूसरा मुद्दा सबसे बड़ा है कि एक ज़माना था जब अगर आदमी को भारत में स्विट्जरलैंड की सैर करनी होती थी तो वो कहता था कि चलिए हिंदुस्तान की जन्नत कश्मीर में चलते हैं, और डेफिनेटली अगर दुनिया में कहीं जन्नत है तो वो यहीं है, ऐसा एक कश्मीर में कहा जाता था। और साफ साफ नज़र आता है कि वो एक मुद्दा जो है, यानी कि ये कह लीजिए कि टूरिज्म का मुद्दा जो है वो भी साफ साफ सुधरता हुआ नज़र आता है। लोग अब वापस पहलगांव और कश्मीर घाटी और वहाँ की लेक का नज़ारा लेने में सक्षम होंगे। तीसरी बात, जो आवाम की गरीबी, आवाम का सत्यानाश हुआ है, ना व्यापार है, ना वहाँ पे किसी तरह की कोई खुशहाली है, वो अगले 2 साल में 15-16 बहुत ही अच्छे जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर रहेंगे। चौथी बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण मैंने इस अपनी महाज्योतिष में देखी है वो ये है कि वहाँ पे जो आम बच्चा अलगाववादी नेताओं के चक्कर भारतीय जनता पार्टी के साथ में आ जाएगा और अपने प्रांत की खुशहाली के लिए आगे बढ़ेगा। पांचवी बात, कहीं ना कहीं जो भी व्यक्ति वहां पर किसी भी तरह की बदमाशी कर रहा था, चाहे वो स्मगलिंग थी, चाहे वो उग्रवाद की को सहारा दे रहा था, वो खत्म हो जाएगा। उग्रवाद 70-80% जम्मू एंड कश्मीर में खत्म हो जाएगा। जितना आतंकवाद पूरे भारत में आज है, यानी असम पकड़ लीजिए, झारखंड पकड़ लीजिए, नक्सलवाद पकड़ लीजिए, उतना ही रह जाएगा। कहीं ना कहीं उग्रवाद का जो ट्रांसफर था फ्रॉम पाकिस्तान, वो कतई जो है वो खत्म हो जाएगा। और आगे आने वाले दिनों में ये पांच मुद्दों के ऊपर इतना मजा आएगा, और भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी इसके लिए कार्यरत रहेंगे। इस बात में कोई